जाती है जब छोड़ कर तो रुला देती है ये बेटिया। क्या तारीफ करूं मैं इन बेटियों की, देकर के कन्यादान माँ बाप को भव से तार देती है ये बेटियां। सच्चे दरबार की आपने देखा होगा, यदि हमारे घर में एक बेटे की शादी होती है, किसी की बेटी को अपने घर में बहू बना करके लाते हैं, तो सबसे पहले अपनी सासू माँ के चरण छूने के लिए जाती है और वो माँ उस बेटी को एक आशीर्वाद देती है। कौन सा आशीर्वाद? सदा सुहागन रहो और खुश रहो। जिनकी शादी होगी उनको पता होगा, अम्मा ने ज्यादा पता होगा, ये आशीर्वाद ज्यादा बेटी बनी रहे, कमान धमान बनो रहे, कसकर जाए लोग तुम्हारे। सबसे बड़ा है दूधो नहाओ पूतो फलो, कभी ये नहीं कहती कि दूधो नहाओ पुत्री फलो, कभी नहीं कहती है। सच्चे दरबार की हकीकत बात है, कोई नहीं चाहता घर में बेटी हो। एक हो गई परमात्मा की कृपा है, लक्ष्मी चाहिए। दो हो गई कोई बात नहीं, तीसरी हो गई तो हाय, चौथी हो गई तो उस माता बहन की परिवार में से भी रीझ बूझ खत्म हो जाती है। जरा उस माँ को पूछ करके देखो जिस माँ पर चार बेटियां हैं और परिवार में उसका मान सम्मान नहीं होता है। सच्चे दरबार की आज कुछ ऐसी माता बहन है जिनकी शादी हो गई है, कुछ ऐसी जिनकी शादी होगी, क्योंकि बेटी का अपना घर, पिता का घर अपना घर नहीं होता है, पति का घर अपना घर होता है। सच्चे दरबार की ये हकीकत है। यदि बेटी अपनी माँ बाप के पास रहती है जब तक शादी नहीं होती है, जरा हंस के बात कहती है तो माँ एक ही बात कहती है, बेटी तू ज्यादा मत हंसा कर क्योंकि तुझे पराए घर जाना है। और यदि शादी हो जाती है, शादी के बाद ससुराल पहुंच जाती है, आपस में तनाव हो जाता है, तो उसकी सासू माँ एक ताना मारती है कि ये हमारी बात नहीं समझेगी क्योंकि ये तो पराया खून है। सच्चे ससुराल में गई तब भी पराई, माँ बाप के पास रही तब भी पराई, तो बेटी का असली घर कौन सा हुआ? सच्चे दरबार की आज ऐसी ही एक बेटी की शादी है। जरा याद करो आप वो समय जब आपकी शादी हुई, सुबह का समय, दरवाजे पर डोली खड़ी है, जाने को तैयार है। परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं होगा, ना माँ ना बाप ना बहन ना भैया ना चाची ना ताई ना ताऊ ना मामा ना मामी, जितने भी सभी संबंधी होते हैं, बेटी की विदाई को देख करके उसके आंखों से भी आंसू छलक जाते हैं। बेटी जाने को तैयार है, दरवाजे पर डोली खड़ी है, जाते जाते मन में एक बात याद आई कि जिस माँ ने मुझे जीवन में पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, फरमाइश को पूरा किया है, आज उसी माँ ने पल भर में मुझे अपने आप से पराया कर दिया। जो पिता मुझे अपने कलेजा का टुकड़ा माना किया करता था, आज वो पिता मुझे सामने मिलने भी नहीं आया है। दौड़ करके वापस माँ के पास गई, माँ से कहने लगी, माँ तुमसे एक शिकायत है। क्या माए भोली माँ मेरी माँ मेरी माँ कि बिना बाप के बेटा सूना सूना, बिना बाप के बेटा सूना और बिन माता के छोरे, भूमि बिन जमींदारा सूना और बिन साजन गोरी सुना है। एक बेटी बिना माँ के सुनी है, एक बेटा बिना बाप के सुना है, एक गोरी बिना साजन के सुनी है और जमींदारा भूमि के बिना सुना है। लेकिन माँ तूने पल भर में मुझे जुदा कर दिया कि मुझे माँ से गिला
मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं भोली माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। जिनको अपनी बेटियों से प्यार है दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ। वन टू थ्री से शिकायत कर रही कि माँ बचपन में मैं छोटी सी थी, मेरे भाई से मेरा झगड़ा हो जाया करता था। शिकायत लेकर तेरे पास दौड़ी आती थी, एक बात कहकर के तू मेरे दिल को मेरे मन को दिलासा दिया करती थी कि बेटी सामने वाला मकान तेरा है, दरवाजे पर खड़ी गाड़ी तेरी है, घर में जो भी सामान है सब तेरा ही है। लेकिन भैया आज मेरी डोली जाने को तैयार है, मेरी साजन मेरा इंतजार कर रही है, तो सब कुछ मुझे अपना होते हुए भी पराया पराया सा लगता है। क्यों माँ खेली कूदी में जैसे आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। वो ऐसा दस्तूर क्यों है ये माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर का चला इसके आगे। जिस घर में पली जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ। मेरी कैसी विदाई है क्योंकि माँ मैंने कभी परमात्मा को देखा नहीं है, कभी परमात्मा का दर्शन नहीं किया। इंसान का जो सबसे बड़ा भगवान होता है वो माँ बाप ही तो होते हैं माँ, और मैंने तुझे भगवान ही माना है, और जब मुझे तुझे अपने पास रखना ही नहीं था तो तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया। सच्चे दरबार की मीठी मीठी ताली बजाते रहो। और वो बेटी अपनी माँ से कह रही है माँ बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले Thank you.
लेकिन बेटा किसको प्यारे होते हैं, बेटे किसको प्यारे होते हैं? माँ को, माँ को होते हैं। और बेटियां किसकी प्यारी होती हैं? पापा की प्यारी होती है। हकीकत बात है सच्चे दरबार की। यदि कोई भी कष्ट है, कोई भी परेशानी है माता पिता को, तो सबसे पहला जो फोन जाता है वो बेटियों के पास में जाता है सच्चे दरबार की। और ये भी हकीकत है भक्तों, हमारे जीवन का जो श्रृंगार है वो माता बहनों से है। हमारे जीवन का जो श्रृंगार है माँ से है, बहन से है, बुआ से है, भांजी से है। यदि हमारे जीवन में माँ ना हो, बहन ना हो, पत्नी ना हो, तो जीवन ऐसा बन जाएगा, नदी तो है लेकिन नदी में पानी नहीं। सच्चे दरबार की आज वो शिकायत कर रही है कि मैंने जीवन में जो भी अपने पिताजी से मांगा है, बाबुल राजा से मांगा है, सब कुछ दिया है। और ये हकीकत भी है, जिस दिन बेटी का रिश्ता तय हो जाता है पूरे परिवार की चिंता खत्म हो जाती है। लेकिन एक इंसान ऐसा जिसकी चिंता दुगनी बढ़ जाती है, पूरा परिवार आराम से सोता है, लेकिन एक वो पिता पल भर के लिए अपनी आंख नहीं झपक पाता है, फिर सोचता रहता है ना जाने ऐसा क्या कर दूं, अपनी बेटी के दामन में इतनी खुशियां भर दूं कि जीवन में कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। हकीकत है, पिताजी काम करके आए हैं, आंगन में बैठे हैं, एक ग्लास पानी के लिए आग्रह किया है, ये बात बेटे ने सुनी है, तो बेटा एक बार मना कर सकता है कि पिताजी मुझे बाहर जाना है, कोई और दे देगा। लेकिन बेटी ने यदि ये बात सुनी, चाहे कुछ भी काम क्यों नहीं कर रही हो, कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, सब कुछ छोड़ करके अपने बाबुल राजा के पास आ जाती है सच्चे दरबार की। जो भी माना था मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, अरे प्यार इतना क्या बयां करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, भरना एक को भर दिया एक को भर दिया मुझको भर दिया एक को भर दिया मुझको भर दिया कैसी खुदाई है हो माँ बेटिया को पराई है मुझे माँ से जाते जाते मन में ख्याल आया है कि मैं सबसे मिल चुकी हूं, भाई से भी मिली हूं, बहन से भी मिली हूं, मां से भी मिल चुकी हूं, लेकिन अभी एक इंसान रह गया है, वो मेरे पिताजी रह गए। वापस मुड़ करके देखती है भक्तों वो बेटी, और जब नजर जाती है पिता पर एक कोने में, वो पिता अपने आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पा रहा। जो इंसान कभी महसूस नहीं होने देता परिवार में कि क्या संकट चल रहा है, लेन देन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या परेशानी चल रही है, कभी औलाद को महसूस नहीं होने देता, लेकिन जिस दिन बेटी की विदाई होती है भक्तों, वो पिता भी अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाता, दौड़ के जाती है अपने बाबुल को अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है, तेरी ही बाहों में बचपन बीता, खिलती गई फूलवानी, ओ Oh, 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 oh
तू चिंता मत कर, तू जब भी बुलाएगी मैं थोड़ी चली जाऊंगी। क्यों? मैं बालक हूँ, तू माता है, ये जन्मों से ही नाता है। अच्छा चलती हूँ माँ, अब गले